हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज है थर्सडे और मैं हॉस्पिटल गई थी पिछले ट्यूसडे को। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और मैंने कोई आपको अपडेट नहीं दी कि क्या हुआ हॉस्पिटल में, क्या बोला डॉक्टर ने। डॉक्टर ने तो खैर वही बोला एज़ यूजल कि भाई फैट कम कर लो पूनम, और क्योंकि मेरी जो मतलब मेरा फैट कम होगा तो मैं ठीक रहूँगी, और बस यही सारी चीज़ें उन्होंने बोली। और सारे चेकअप फिर से दोबारा बोले हैं, 1 मंथ के बाद मुझे फिर जाना है। और देखो इस बार क्या था रिपोर्ट्स में। खैर मैं पॉजिटिव हूँ और मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी मैं बहुत पॉजिटिव थी, क्योंकि थॉट्स आपकी लाइफ को ना चेंज कर देते हैं, और मैं पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहती हूँ। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पहले पड़ता था, अब नहीं पड़ता है। पॉइंट इज, और दूसरी बात कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मानसिक है, शारीरिक है, आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में, क्योंकि आपके जो सोच है वही आपको बनाती है। आप नेगेटिव सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, बहुत कुछ ऐसा होने लगेगा लाइफ में, अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बट हमारा इस बात पे ध्यान नहीं जाता कि हम कितना गलत सोच रहे हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में। फिर वही सारी चीज़ें ना नकारात्मक उसमें आती हैं कि भाई हमारी कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, या हमारी हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या घर में कोई ऐसी सिचुएशन है और वो ठीक नहीं हो पा रही है। पॉजिटिव रहना हमेशा, मैं ऐसा सोचती हूँ कि पॉजिटिव रहना और दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, पहले दूसरों के बारे में सोचना, फिर कि भाई भगवान उसका भला करे और हमारा भी करे, क्योंकि भगवान हमेशा उसी को देते हैं जो दूसरों के लिए भी मांगते हैं, पता है आपको। हाँ मैं क्योंकि हूँ पूजा पाठ करने वाली भी हूँ मैं, और सो मेरे थॉट्स कुछ ऐसे ही हैं, और लेट्स सी मेरा फैट कब तक कम होगा। कोशिश तो पूरी जारी है मेरी, और मैं आपको बताऊंगी, प्रोसेस भी बताऊंगी जब रिजल्ट आने लगेगा, क्योंकि अभी तो 1 हफ्ता भी हुआ है, करते करते तो होने लगेगा, तो मैं आपको फिर बताऊंगी। और तो मैं आज ना आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। मेरी मम्मी एक मसाला बना दी थी, चाट मसाला, और घर के सारे इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें, और बहुत अच्छा बनता है, बहुत हेल्दी होता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और जैसे कि बाहर का हम लोग चाट मसाला लेते हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसकी रेसिपी, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे किचन में और बताती हूँ रेसिपी। तो यहाँ पर मेरे पास है काली मिर्च और जीरा, सेम क्वांटिटी में लेनी है, मैंने थोड़ी थोड़ी ली है अभी तो फिलहाल, आज ये मैं पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी ही बनाती थी तो मुझे भी दे देती थी, भाभियाँ बनाती थी तो मुझे दे देती थी, अभी भी वो दे देती हैं, बट मैं लेती, मैंने कहा चलो इस बार ना मैं खुद ही वो कर लेती हूँ, बनाती हूँ इसको पहली बार। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिया है, काली मिर्ची भी और जीरा भी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा भूनूंगी अभी। इंडिया में कितनी वैरायटी है खाने की, है ना, क्योंकि पहली बात तो इंडिया मशहूर ही मसालों के लिए है, क्योंकि पूरे पूरे वर्ल्ड में यहीं से मसाले जाते हैं। मसाला थोड़ा थोड़ा हो गया है, इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, बट इसको मैं इसमें से निकाल लूँगी, क्योंकि अगर मैंने पैन में इसको छोड़ दिया तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ये ठंडा हो गया है, इसमें मैं अब सॉल्ट मिक्स करूंगी, क्योंकि मैं ये कोई तो खाएगा नहीं, मैंने सोचा कि क्योंकि मैं ही खाऊंगी तो थोड़ा सा इसमें कुछ ये हिमालयन पिंक सॉल्ट डालूंगी थोड़ा। और
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है काली मिर्ची की और उसकी चीनी की, बहुत स्ट्रांग होती है ना खुशबू। सो ये मेरा प्रिपेयर हो चुका है और इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं, अमचूर डलता ही है बट क्योंकि मैं खट्टा नहीं खाती हूँ, मुझे नुकसान करता है खट्टा, तो मैंने नहीं डाला। इसमें मैंने हींग डाली है, काली मिर्ची, जीरा, नमक, इसमें काला नमक भी डलेगा, अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मैं जब ले आऊँगी तो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, आज ही मंगा लूँगी, मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और फिर इसमें इसको बोतल में भर के रख दूँगी। तो आप भी इसको ट्राई करिएगा सैलेड के साथ, पपीता, जब भी हम पपाया वगैरह खाते हैं तो उसमें हम लोग डाल लेते हैं ना नमक वगैरह, तो इसको डाल के खाइएगा, डाइजेशन और टेस्ट दोनों। तो चलिए ये तो हो गया मेरा कंप्लीट। एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, अभी मैंने परसों अचार लाल मिर्ची का अचार और ये बहुत अच्छा डला इस बार, मैंने कहा चलो डाल के देखती हूँ, बट मैंने डाल लिया। ये देखने में भी सुंदर लगती है ना, पर नहीं ऐसे खाना नहीं है मुझे ये सिर्फ मुझे चीज़ें ना रखने का, करने का शौक है, खाना अलाउड नहीं है मुझे, खाती नहीं हूँ मैं। मैं इस वीडियो का यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं मैं कब डालती हूँ, कब बनाती हूँ, और इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे फिर, और अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और बाय, टेक केयर।